प्रदेशवासी अभी डायरम हादसे से उभरे भी नहीं थे कि महेंद्रगढ़ के नागल चौधरी इलाके में खनन के दौरान एक और यहां पर बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस मामले पर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने खनन मंत्री मूलचंद शर्मा से बातचीत की, आपको सुनाते हैं। प्रदेशवासी अभी डायरम हादसे को भूले नहीं थे कि एक और बड़ा हादसा महेंद्रगढ़ के नागल चौधरी खनन इलाके में हुआ, जहां एक मजदूर की मृत्यु हो गई और साथ ही साथ कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा। सर, एक के बाद एक हादसा किस तरीके से देखते हैं, आखिर कहां ये लापरवाही जो है ढील बरती जा रही है? जो हादसा जो कल जानकारी मिली है, ये नागल चौधरी का राजस्थान से एडजॉइनिंग का इलाका है जी। इधर राजस्थान है, एक तरफ हरियाणा है, ये सब एक किलोमीटर के उसमें है। और ये लोग जो है जो रात को चोरी करते हैं, अवैध खनन करते हैं और चोरी के रास्ते से जो इजी मनी कमाते हैं, ये वो हादसा है। और हादसा हुआ है कि कई बार पुलिस ने मुकदमे दर्ज करे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की है, इनको गिरफ्तार करा, इनके ट्रैक्टर ट्रॉली को बंद करा, पर ये लोग मानते नहीं है। पर इसके हादसे के बाद जो कैजुअलिटी हुई है, जो आपने जानकारी दी है, एक आदमी की मृत्यु हुई है। इस तरह के जो भी प्रदेश में जो चोरी करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं और इस तरह के जितने भी हैं, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई करी है। और सब प्रकृति के नीचे है, चाहे पहाड़ की बात करें, यमुना की बात करें, और सारा क्या है कि सब इजी मनी इससे चाहते हैं, इजी मनी शायद इससे। पर हमने जो कार्रवाई करी है पूर्व की सरकार के बाद, जितना हमने इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करे, रोका है, रेवेन्यू कलेक्शन करा है और सब कुछ करने का सरकार ने प्रयास करा है। सर, ये बताएं कि जब यह हादसा हुआ, उस हादसे के तकरीबन दो घंटे तक पुलिस वहां पे नहीं पहुंचती है, ऐसी तस्वीरें जो हैं वो चैनल पे भी चली हैं कि दो घंटे तक जो है वहां पर हादसे होने के बाद जो है ना तो मेडिकल ऑफिसर्स वहां पे पहुंचते हैं, ना ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। किस तरीके से देखते हैं, कितनी बड़ी लापरवाही है, इतना बड़ा हादसा होता है, पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है, ना ही मेडिकल ऑफिसर्स मौके पर पहुंचते हैं? अगर पुलिस SHO थाने का हो, मजबूत हो, ईमानदार हो, इस तरह की कहीं भी मायने नहीं हो सकती। अगर SHO मजबूत हो, चाहे माइनिंग का इलाका हो या यमुना का इलाका हो या नदी नाले का हो, और जो इस तरह की बालो पुलिस को जो नहीं पहुंची, पुलिस को जाना चाहिए था जी। और पुलिस को जो इस तरह का हादसा हुआ है वो पहुंचना चाहिए था। सर, अगर डाडम हादसे की बात करें तो पहले एक SIT गठित की गई, क्या वो SIT कॉम्पिटेंट नहीं थी कि जिस वजह से एक और नई SIT का गठन करना पड़ा, जिसकी अध्यक्षता जो है वो पूर्व IAS अधिकारी कर रहे हैं? मेरा पूछना सब सीधा सा सवाल आपसे ये कि क्या जो पुरानी SIT थी, क्या वो कॉम्पिटेंट थी या नहीं थी? दोनों SIT कॉम्पिटेंट है, और जो पहली जो SIT गठित की थी वो EDC की अध्यक्षता में थी, और NGT ने भी एक टीम गठित की थी। NGT बना देती एक टीम, हम बनाते तीन टीम, उसी एक ही होती। NGT की जो गाइडलाइंस थी, उसी गाइडलाइंस पे हमने ADC को भी रखा है, फॉरेस्टर को भी रखा है, माइनिंग अफसर था, SDM को भी रखा है, NGT के फॉरेस्ट के आदमी को रखा है, SS प्रसाद रिटायर्ड अधिकारी है, IAS है जी। और उसकी सहमति के बाद एक ही SIT है, जब SIT बड़े अधिकारी की उससे बने तो नीचे की उनका कोई महत्व नहीं रह पाता। एक SIT बनाई है, चेयरमैन उसके SS प्रसाद जी हैं। आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, सारी जो भी गठित होती है कमेटी, सब पे भरोसा है। पर जब बड़ी कोई कमेटी गठित हो, छोटी गठित हो, कोई महत्व नहीं रह पाता। सर, अब SIT जब गठित की गई है पूर्व IAS अधिकारी के अध्यक्षता में, तो कब तक जो डेडलाइन जो है वो सौंपी गई है कि इस डेडलाइन के अंदर जो है वो सारा का सारा जो मामला है वो सामने आ जाए और दोषियों के उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, क्या डेडलाइन है उसकी? जो भी इसकी डेडलाइन दी है, जो भी गाइडलाइन दी है, जो भी इनका समय 3 महीने 2 महीने जो भी है समय कितना रखा है जी। मुझे ज्यादा इसकी जानकारी नहीं कितना समय है जी। तो जो भी है उसकी समय सीमा है, समय सीमा से भीतर इसकी इंक्वायरी होगी। सर, आपने बताया था कि जो डाडम हादसे में जिनकी मृत्यु हुई है और जो गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें 2 से लेकर 15 लाख तक का मुआवजा जो है उनके परिवारों को दिया जा रहा है उस प्राइवेट कंपनी द्वारा, आखिरकार कब तक जो है
एक मजदूर की जान जो है वो 15 लाख तक आंकी जाएगी, क्या सरकार उन आरोपियों पर सख्त रूप से कार्रवाई करती हुई नजर आएगी या फिर यूं ही जो लीपापोती की जाएगी कि एक एसआईटी बनती है, एक एसआईटी के बाद एक और एसआईटी गठित की जाती है और 15 लाख रुपए के आंकने के बाद उस मजदूर की जान की कीमत 15 लाख रुपए लगाई जाती है, क्या सरकार इसके ऊपर अपनी तरफ से कोई सख्त कार्रवाई करेगी और क्या मजदूरों के परिवारों को मुआवजा सरकार अपने लेवल पर देगी? कभी मजदूर की करोड़ों से आप जीवन को नहीं आंक सकते और न करोड़ की उसकी भरपाई तो जीवन हो, जो परिवार का सदस्य चला गया मजदूर हो या मालिक हो या दूसरा साथी हो उसकी कभी करोड़ों से भरपाई नहीं होती। और इंसान है, इंसान का तो कोई नियम किस मुकाम तक पहुंचता है, इंसान इंसान है, गरीब हो अमीर हो मजदूर हो व्यापारी हो कर्मचारी हो। मेरा ये मानना है कि जो फर्स्ट टाइम जो इसको परिवार को मदद होती है ये कोई ये नहीं उसके जीवन का भी उसकी उसकी आदमी की व्यक्ति की जो मजदूर की कीमत दी है, कीमत नहीं, ये तो परिवार जो पीछे उसकी एक मदद तौर पे है और मदद तौर पे जो पहाड़ का इलाका है, जो पहाड़ी है, जो प्रकृति है, इसका कभी भी इसकी भरपाई नहीं होती और कभी भी क्या है इसका जो मजदूर कभी पूरा नहीं हो सकता। और इससे क्या है कि जो भी एसआईटी बनाई है इसका दूध का दूध पानी का पानी। सर, नागल चौधरी की में जो मजदूर की मृत्यु हुई है उसको मुआवजा देने के लिए क्या कुछ पैरवी जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है? नहीं, मजदूर चोरी भी करे सरकार मुआवजा भी दे। मान लो इसमें क्या है कि चोरी हो रही है नागल चौधरी में, चोरी करते हैं अपने कारण चोरी में उसकी मृत्यु होती है, सरकार क्यों करेगी भाई? सरकार तो शिकंजा टेकती है, हम तो कहते हैं बार बार जो चोरी करते हैं खिलाफ पर्चा कार्रवाई हो भाई, क्यों ना हम कोई लीगल काम है, कोई ऑथराइज में नहीं है, कोई ऑथराइज है भाई, ऑथराइज में हो तो कोई ठेकेदार से कहे उसे भाई इस तरह से चोरी कर रहे हो तो। और सरकार तो क्या है कि सरकार कहाँ तक किसको देगी, एक्सीडेंट है, कोई दूसरे हैं, कोई सरकार का अगर इस काम में सरकार लगी रहेगी तो इसकी तो कभी शायद मेरे हिसाब से पूर्ति तो नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ खनन मंत्री मूलचंद शर्मा, जिन्होंने कहा कि डाडम हादसे को लेकर पूर्व आईएएस अधिकारी एसएस प्रताप प्रसाद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय टीम का गठन किया गया और साथ ही उन्होंने जिस तरीके का हादसा जो है वो महेंद्रगढ़ के नागल चौधरी इलाके में बरपा है उसको लेकर भी उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके की जो चोरी की घटनाएं, जो चोरी के खनन की प्रक्रिया चलाई जा रही है उस पर पूर्ण रूप से लगाम लगाई जाए। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन।